उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 3 जनवरी से हो रही है। 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी से शुरू हो रही भारत जोड़ो यात्रा बागपत के रास्ते शामली होते हुए हरियाणा पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में 3 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी जनता से जुड़ेंगे। इसी क्रम में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने बताया कि राहुल गांधी की यह भारत जोड़ो यात्रा बेहद अहम है और इसमें सभी विपक्षी दलों को शामिल होने का न्योता भेजा गया है। इस मौके पर एमकेएन न्यूज संवाददाता अविनाश कुमार ने नकुल दुबे से खास बातचीत की। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 3 जनवरी से होने जा रही है, उसके पहले ही प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नकुल दुबे जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका एक बड़ा बयान आता है कि जो कांग्रेस कर रही है वही भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। इस बयान को अखिलेश यादव के कैसे देखते हैं? अब कांग्रेस क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी क्या करती रही है, और इन सब बातों का इस यात्रा से कोई सरोकार नहीं, कोई लेन देना नहीं। राहुल गांधी जी ने बहुत ही अच्छा जवाब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी होगी, उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब उनको दे भी दिया है और उनको मैसेज पहुँच भी गया है। हमारी इस यात्रा को पिछले 5-6 सालों का जो घटनाक्रम है उनसे जोड़ के देखा जाए, क्या देश की सारी संस्थाएँ बेच देना उचित है, क्या बेरोजगारों को सड़क पर लाख खड़ा कर देना सही है, क्या किसानों को सड़क के किनारे मरने देना सही है, क्या कोरोना में लाखों लोगों को मरने देना सही है, क्या हमारे देश में डॉलर ही डॉलर रह जाए और रुपया गायब ही हो जाए ठीक है, क्या एक दो व्यापारियों को ही हिंदुस्तान का मसीहा बना दिया जाए, क्या विदेशों से एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर हिंदुस्तान में ला दिया जाए। तो ये जो सारे सिस्टम है इन सब के खिलाफ कोई ना कोई आवाज़ उठाएगा। और तो राहुल गांधी जी ने जैसे 1942 में हमारे महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की यात्रा निकाली थी। तो आप सुन रहे थे, ये थे हमारे साथ नकुल दुबे, जिनका सीधे साफ तौर पर कहना है कि ये भारत जोड़ो एक यज्ञ है और इसमें सभी विपक्षी दलों को साथ देना चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अविनाश, एमके न्यूज़।